हे फ्रेंड्स, आपके फ़ोन पे सिम कार्ड लगाने के बाद अगर नेटवर्क शोर नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ मेरा इसी डिवाइस का नेटवर्क चला गया है फ्रेंड्स कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे सिम कार्ड यूज़ कर रहा है फ्रेंड्स वो एयरटेल और जियो। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एयरटेल से जियो पे नेटवर्क को स्विच करने की कोशिश किया था फ्रेंड्स। जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क यहाँ से चला गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने डिवाइस को स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करके भी देखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा था। आपका जो केस है फ्रेंड्स वो कुछ अलग हो सकता है फ्रेंड्स। सिंपली मैं जो आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वही सेटिंग्स आपको फॉलो करना है। यहाँ से आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर सेटिंग पे यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स, तो मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन पे आपको यहाँ से चले जाना है फ्रेंड्स। जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा एयरटेल सिलेक्टेड है बाई डिफॉल्ट। यहाँ पे मेरे सामने करियर ऑप्शन दिखा रहा है फ्रेंड, आपके केस में कुछ अलग भी हो सकता है। नेटवर्क रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन रहता है, नेटवर्क रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ये सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सर्च नेटवर्क करके भी ऑप्शन रह सकता है नीचे, तो अगर दिख रहा है फ्रेंड्स उस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो नेटवर्क को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे लोडिंग लेगा फ्रेंड्स और सर्च होगा नेटवर्क। आपके डिवाइस पे जो सिम कार्ड लगा हुआ है वो सिम कार्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे कई सारे आपके सामने ऑप्शन आ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप सर्च नेटवर्क सिलेक्ट करोगे फ्रेंड्स, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, तो आपको वो सिम कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ से नेटवर्क रजिस्टर्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेटवर्क शो कर जाएगा ऊपर में। ठीक है, दूसरा जो सेटिंग है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे हर सेटिंग पे यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको सर्च कर देना है रिसेट। ठीक है, जैसे आप गूगल पे सर्च करने का ऑप्शन रहता है वैसे ही रहता है। रिसेट जैसे सर्च करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, मेरे केस में यहाँ पे मोर सेटिंग दिखा रहा है उस पर कर देता हूँ क्लिक। नीचे आ जाता हूँ, आने के बाद बैकअप एंड रिसेट दिख रहा है फ्रेंड्स, उस पर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेट का बहुत सारा सेटिंग दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे रिसेट ऑल सेटिंग मेरे सामने दिखा रहा है फ्रेंड्स। आपके केस में यहाँ पे रिसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आ सकता है फ्रेंड्स, अगर दिखा रहा है फ्रेंड्स उस पर क्लिक करके नेटवर्क का सेटिंग को रिसेट कर लेना है। जैसे आप रिसेट कर लोगे फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपका यहाँ पे नेटवर्क यहाँ पे शो कर जाए। ठीक है, दूसरा सेटिंग आपको ये कर लेना है फ्रेंड्स। तीसरा जो सेटिंग्स है फ्रेंड्स, इससे भी आपका फिक्स नहीं होता है, तो तीसरा सेटिंग से रिसेट ऑल सेटिंग। रिसेट ऑल सेटिंग जैसे ही करोगे फ्रेंड्स, आपके डिवाइस पे जितना भी एप्स वगैरह है, जितना भी सेटिंग्स वगैरह आपने किया है फ्रेंड्स, सब कुछ बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे नया ऐप डाउनलोड करने के बाद सेटिंग्स वगैरह रहता है वैसा हो जाएगा। तो तीसरा सेटिंग्स आपको ये कर लेना है फ्रेंड्स। अगर इससे भी नहीं होता है फ्रेंड, तो आपको रिपेयरिंग शॉप को दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आपका यहाँ पे सिम कार्ड ख़राब हो चुका है, हो सकता है आपका सिम स्लॉट यहाँ पे ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल हुआ है फ्रेंड्स, आपका अगर वर्क कर गया है फ्रेंड्स, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो या गाइस।